हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर स्टेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर एंड लैपटॉप में जब हम विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद कई सारे ड्राइवर्स जैसे कि ग्राफिक्स ड्राइवर, साउंड ड्राइवर, वाईफाई ड्राइवर और कई सारे टच पैड एंड एक्सेट्रा जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड करना पड़ता है एक एक करके, वो एक ही क्लिक में आपको कहीं से भी डाउनलोड ना करना पड़े और जस्ट एक क्लिक करते ही इंस्टॉल हो जाए। इसके लिए मैं आपको एक प्रोग्राम बताता हूँ, वो हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे ये मैं बताऊँगा। तो आपके पास स्नैपी ड्राइवर इंस्टॉलर होना चाहिए। ये आपको जस्ट वन क्लिक में आपके लैपटॉप के किसी भी ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकता है। आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में सर्च करेगा कि कौन सा ड्राइवर इंस्टॉल्ड नहीं है, साउंड, ग्राफिक्स या अदर किसी तरह का रिलेटेड ड्राइवर हो, यूएसबी हो, वेबकैम हो, तो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करता है और ऑल ड्राइवर्स को जस्ट वन क्लिक में सर्च करके इंस्टॉल कर देता है। ये एब्सोल्युटली फ्री है और इसके लिए आपको कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ये देख सकते हैं SDI R513 स्नैपी ड्राइवर इंस्टॉलर इसको बोलते हैं। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। अभी हमने विंडोज़ 10 होम इंस्टॉल किया है और मैं इसको इसके लैपटॉप के बहुत सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं हुए हैं विंडोज़ के द्वारा, तो अब ये सर्च करके ये देखिए लिस्ट दिखा रहा है, इसको अलाउ करने को कह रहा है। स्नैपी ड्राइवर इंस्टॉलर को अलाउ एक्सेस हमने कर दिया। ये रन करने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारे ड्राइवर जैसे मोबाइल डेटा प्रोटेक्शन सर, HD ग्राफिक्स ड्राइवर देखिए, उसके अलावा रियल टेक USB 2.0 एंड अदर कई सारे हमारे जो लैपटॉप्स में ड्राइवर्स हैं जैसे वाईफाई, लैन, हाई डिफिनेशन ऑडियो डिवाइस, आप देख सकते हैं इसमें जितने भी लिस्ट हैं ये टोटल आप यहां सेलेक्ट ऑल जब करेंगे तो टोटल 12 ड्राइवर्स ऐसे हैं जो ये बता रहा है कि हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड नहीं है, ये इंस्टॉल करना होगा। तो इसके लिए उसके अलावा आप ऊपर देख सकते हैं SDI इज ए डेवलप्ड बाय वॉलंटियर्स इन देयर स्पेयर टाइम। इफ यू लाइक दिस सॉफ्टवेयर प्लीज सपोर्ट अस ऑन पैट्रियन, क्लिक टू ओपन एंड पैट्रियन पेज। एक्चुअली ये डोनेट करने को कहा गया है क्योंकि ये किसी ये चैरिटेबल टाइप से एक वॉलंटियर्स के द्वारा चलता है, जो कोई भी डोनेट करना चाहता है तो डोनेट कर सकता है, अदरवाइज ये फ्री है, इसका कोई भी इसका कोई चार्जेस लगता नहीं। अपडेट्स आर अवेलेबल 47 ड्राइवर पैक्स। एक्चुअली हमारे पास जो वर्जन लोड है उसके अलावा इसमें अपडेट्स आते रहते हैं, नए नए कंप्यूटर लैपटॉप्स आते हैं तो उसके ड्राइवर इसमें और ऐड हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू स्टार्ट डाउनलोड, अगर हम चाहेंगे इसी को अपडेट करना तो हम अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हमारा इसी से हमारे लैपटॉप कंप्यूटर्स का काम हो जाता है तो हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में हमारे पास है वो 16 GB से कम है, पहले का वर्जन है। अभी जो प्रेजेंट में आ रहा है वो 19 GB का आ रहा है, तो आपको 32 GB पेन ड्राइव चाहिए अगर आप चाहते हैं कि कहीं भी पेन ड्राइव में ले जाके इंस्टॉल करें, तो आप 32 GB का पेन ड्राइव लें और इसको नेट से डाउनलोड करें। मैं पहले आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये हमने इंस्टॉल किया, आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग 1 of 12, आप देख सकते हैं इंस्टॉल होना शुरू हुआ। उसके अलावा डाउनलोड 2 GB ये भी डाउनलोड होना लगा है, तो आप चाहें तो इसको
डाउनलोड नहीं भी कर सकते हैं या कर भी सकते हैं। ये टोटल तो आप देखिए इंस्टॉल कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑफलाइन इंस्टॉलर है। जो लोग पर्सनली यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए, अपने लैपटॉप के लिए ड्राइवर काफ़ी है। अगर जो प्रोफेशनल लोग हैं, कहीं जाते हैं आप अपने किसी भी कस्टमर को, कई सारे लैपटॉप कंप्यूटर में आपका रोज़ का काम है अगर आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, तो आपके लिए ये बेस्ट है, स्नैपी ड्राइवर इंस्टॉलर। तो आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो रहा है 1 of 12। अगर आप चाहते हैं कि ये कम्प्लीटली आपको मिले, तो ये मैं इंस्टॉल को कैंसिल करता हूँ और आपको बताता हूँ ये कहाँ से मिलेगा। आप देख सकते हैं ये मैंने वेबसाइट खोल ओपन किया है, sti-tools.org। ये वेबसाइट पर जैसे ही ओपन करेंगे तो ये डाउनलोड बटन आएगा। ये डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं STI फुल अभी कितने GB का है, 19.3 GB का है STI फुल। तो ये आप डाउनलोड यहाँ पर कर सकते हैं। ये ऑफलाइन के लिए हमारे पास R513 वर्जन है, लेकिन यहाँ काफ़ी आगे वर्जन आ चुका है, R2000 आ चुका है। तो आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सभी लैपटॉप कंप्यूटर्स के ड्राइवर जस्ट वन क्लिक में फुल इंस्टॉल हो जाएंगे। तो आपको इसमें अगर आप ऑनलाइन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आपको यहां से ड्राइवर पैक ऑनलाइन में डाउनलोड करें, ओल्डर वर्जन भी है, R2000 5.1 MB, R1909, ये डाउनलोड करके कम्प्लीटली आपका ऑनलाइन इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप अगर डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आपका डायरेक्ट ये सर्च कर देता है ड्राइवर, और कोई भी आपको इसमें पैसे या किसी तरह के लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेस्ट ड्राइवर इंस्टॉलर है। लेकिन आपको इसको यूज़ करने से पहले आप एक बात ध्यान में रखें कि कभी भी ये डाउनलोड करते समय अपने एंटीवायरस को ऑफ़ करें, डिजेबल करें, क्योंकि थर्ड पार्टी टूल सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड होता है एंटी वायरस में, तो वो आपको ये इंस्टॉल करने नहीं देगा। तो ये आप ध्यान में रखें। और एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, मेरे पास SDI R53 है, उसके अलावा SDI R536 है, हमने अपडेट डाउनलोड किया था, तो R536 है। तो मैं जैसे ही ये सर्च करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली हमारा इससे रिलेटेड ड्राइवर सर्च करता है। आप देख सकते हैं ये सर्च कर रहा है, अभी सर्च कर रहा है। ये ऊपर देखिए स्नैपी ड्राइवर इंस्टॉलर R536 लिखा हुआ है। तो ये क्योंकि ये सर्च कर रहा है, अब ये सर्च कर चुका, अलाउ एक्सेस पर मैं क्लिक करता हूँ। अभी देखिए यहाँ भी डिस्प्ले कर रहा है, अपडेट्स आर अवेलेबल SDI R2000। तो ये 2 GB ऐड हो जाएगा और हमारे इस फोल्डर में, और ये ऑल इंस्टॉल मैं करूँगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, सिलेक्ट ऑल 12, ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं एक एक करके सभी ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर्स के सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल कर देगा। देखिए ऑफलाइन इंस्टॉलर रखने का यही फ़ायदा होता है, पेन ड्राइव में ले जाके आप कहीं भी किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर में ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन हर एक जगह इंटरनेट स्पीड आपको नहीं होती है तो वहाँ पे काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ कितना स्पीडली हो रहा है। ऑल ड्राइवर इंस्टॉल कम्प्लीटली इंस्टॉल होने के बाद आपको किसी भी तरह के ग्राफिक्स या किसी तरह के कोई भी, यहाँ देखिए लिख रहा है इंस्टॉल्ड सिस्टम रिस्टार्ट रिक्वायर, स्टार्ट होते ही ये सभी ड्राइवर्स फाइनलाइज हो जाएंगे और इससे एसोसिएट हो जाएंगे, इस लैपटॉप के साथ अप्लाई हो जाएंगे। अभी देखिए इंटेल HD ग्राफिक्स इंस्टॉल कर रहा है, 13% यहाँ लिख रहा है। तो दोस्तों आपको कहीं भी एक एक करके ड्राइवर इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप SDI डाउनलोड करें और कहीं भी डायरेक्ट नॉन स्टॉप ड्राइवर जस्ट वन क्लिक में इंस्टॉल करें। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप वो अगर इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हुआ है तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है इस ड्राइवर इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग अगर आपको नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ज़रूर लिखें, हमारा रिप्लाई आपका 100% सॉल्यूशन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।